मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह एक्चुअली हम दोनों ने मिलकर सोचा था कि बाहर जाएंगे, एक शूट करना है शॉर्ट्स के लिए। आप लोग शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो, शॉर्ट्स देखना क्योंकि उसके लिए भी अलग से शूट, उसका एक ये एक्चुअली विवेक का आइडिया है ये वाला शॉर्ट्स का। तो आज नहीं जा पाई तो कल जाऊँगी, अभी मैं जाके खाना बनाऊंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और यहाँ पे धूप की वजह से मैं देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बालकनी में खड़ी हूँ, तो मैं अभी अंदर जा रही हूँ किचन के पास ब्रेकफास्ट बनाने। अभी मैं उसके लिए उपमा बना रही हूँ, आज थोड़ा सा सिंपल सा ही बनाने के लिए बोला गया है। तो आज मैं इडली डोसा बैटर भी बना के रखूँगी ताकि मैं कल इडली बना सकूँ। तो अभी के लिए मैं ये बना रही हूँ, अरे जल गया, क्या बोलते हैं, और अब इसके बाद थोड़ा सा दूध, मैं सुबह सुबह दूध नहीं पीती, मैं नींबू पानी पी रही हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया और वो बैठ भी गया है, क्योंकि क्या होता है अगर मैं जल्दी ब्रेकफास्ट करके नहीं दूंगी तो वो बैठ जाएगा, फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए आएगा नहीं। तो इसीलिए सबसे उठ सबसे पहले कुछ भी काम नहीं किया, ये सब बेड ऐसे ही पड़ा है, मैंने इवन क्रीम भी नहीं लगाया, बस नहा के फिर भाग भाग के जाके पहले ब्रेकफास्ट बनाया, उसको खिलाया, फिर अभी वापस आ गई हूँ ये सब काम करने। अभी मुझे ये सब काम खत्म करना है, उससे पहले मैं थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ। ऐसे क्रीम लगाना, मैंने सुबह नहाने के बाद टोनर लगाया था किचन जाने से पहले, पर उसके बाद तो फिर काम किया तो कुछ डस्ट वगैरह आ गया होगा पार्टिकल्स, तो मैं इसको दोबारा ऐसे। बालकनी में आ गई हूँ इसीलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ इस धूप की वजह से, पर एक चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ एक्चुअली। मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे डब्बा है जिसमें मैंने कुछ, ये तो भगवान के लिए शुगर है, मतलब स्वीट है, तो इस क्या हो रहा है कि ऐसे रखने से इसमें छींटी आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने बस यही नहीं, और दो तीन डब्बा है जिसमें जैसे छींटी आ रहा है, तो मैंने इसको धूप में डाला हुआ है। मुझे इसका सोल्यूशन एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या कर सकते क्या करना चाहिए करके। मैंने वो चीटी वाला चौक भी डाला है, फिर भी नहीं पता कहाँ से आ रहा है, बहुत ही परेशान हो गई हुई चीटी, ऐसे परेशान कर रहे चीटी लोग मुझे। अभी मैं यहाँ पे लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे ना ये किचन बनाना खाना बनाना उतना सच में पसंद नहीं है। क्या खाना बनाओ फिर खाना, उसको बनाने के लिए प्रिपरेशन करो फिर उसको बनाओ, फिर खाने में 10 मिनट लगेगा खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दिन उसे निकाल भी देना है। वो मुझे ये वाला एक काम है जो मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग है। अगर एक बार खाना बना के 3 बार हो सकता तो बहुत अच्छा लगता, पर 3 टाइम का मुझे खुद खाने में अच्छा नहीं लगेगा अगर मुझे कोई ब्रेकफास्ट लंच डिनर में ही खाना जाए, तो इसीलिए मैं वैसे करके बनाती हूँ। पर अभी तो वो बिजी रहता है हमेशा, वो हेल्प नहीं करता, कर पाता नॉर्मली अगर वो फ्री है तो मुझे वो बहुत हेल्प करता है थोड़ा बहुत, तो कि मैं भी मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अकेले काम कर रही हूँ, इसीलिए वो कुछ ना कुछ एंटरटेन के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, मेरे पास आगे खड़ा रहेगा, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करेगा थोड़ा बहुत। तो अभी तो वो बिजी है, अभी तो वो कर नहीं पा रहा था, इसीलिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। और शायद मुझे भी इस मंथ के लास्ट से ऑफिस जाना पड़े, तो देखते हैं सिनेरियो क्या है, तब थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, ब्लॉग्स में चेंजेस आ जाएंगे। तो आई होप आप सब लोगों को बहुत 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 अच्छा लगेगा, आप सब लोग मेरे साथ रहना, तो मैं जब भी शेयर करूँ तब आप उन सब चीज को एंजॉय कर पाओ जो मैंने खुद एंजॉय किया है। तो इन माय डेली ब्लॉग्स करने के लिए फैन बंद कर दिया और मुझे गर्मी लग रही है, अभी भी बंद किया पर इतनी जल्द इतनी गर्मी लग रही है, तो क्या करें करना पड़ता है। तो आज मैं सोच रही थी कि आप सब लोगों को ऐसा कुछ दिखा दूं कि जो मुझे नहीं आता था फिर अभी मुझे आ रहा है,
और कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना अच्छे से आ रहा है, वो तो आप सब लोग बता सकते हैं। मुझे जितना लगता है कि ठीक ठाक ही आ रहा है और भी अच्छा कर सकते हैं। रिसेंटली मैं अपनी एक्स कलीग से बात कर रही थी, तो वो बोल रहा था कि आजकल तुम मेकअप करने लग गए, यू बिकम मेकअप आर्टिस्ट। हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकते क्या? तो उसने बोला नहीं नहीं बन सकते हो तुम तो ऐसे तुम ही, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम ऐसी लड़की थी कि जिसको ठीक से अपना शेड तक खरीदना नहीं आता, मतलब उसे क्या बोलते हैं, फाउंडेशन पाउडर, मुझे अभी भी उतना याद नहीं आ रहा है उस सब चीज का नाम ये सब ठीक से खरीदना नहीं आता, यूज करना नहीं आता, क्या कैसे कहाँ लगाते वो नहीं आता था, तुम अभी मेकअप करने लगे। मैंने बोला हाँ हाँ करने लग गई, क्योंकि मैंने कोर्स कर लिया है उसका, तो अभी मुझे पता है, मुझे खुद के ऊपर करना पसंद नहीं है। सीरियसली मुझे खुद का मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अपने आप को, बस अपने फेस को खूबसूरत दिखाने में लगी रहूं, तो मैंने बाकी का काम मैं कब करूंगी। मैं कहीं पे जा रही हूँ, कोई फंक्शन है आए, तो बहुत दिन हो गया है फंक्शन में नहीं जा रही हूँ, तो अगर वैसा कुछ है तो थोड़ा सा यूज करूंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल स्किन केयर और मेकअप रेंज में कुछ भी यूज नहीं करती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। सेल्फ मेकअप के लिए मैंने सामान थोड़ा बहुत जो मुझे करना है अभी और जो मुझे यूज़ करना है अभी, वही मैंने इधर लेके आके रख दिया है, और बाकी का मोस्टली सामान यहाँ पे ही है। इसका पूरा ये फुल बैग उससे भरा पड़ा है, पर मैं खुद यूज़ नहीं करती ये सब, मैं जिनका मेकअप करती हूँ उनके लिए मुझे चाहिए होता है, मैं अपने लिए नहीं यूज़ करती। तो अभी मैं शुरू करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये अपने बाल बांध लेती हूँ ताकि वो मुझे परेशान ना करे, और मैंने फेस धो मतलब साफ़ कर लिया है, तो क्रीम भी मॉइस्चराइजर भी लगा लिया है। अभी मैं डायरेक्टली प्राइमर में जाऊंगी। ये प्राइमर जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ ना, मुझे एक एक स्कूल की फ्रेंड का याद आता है, वो यूज़ करती थी, उसे मेकअप के बारे में बहुत ही शौक था, तो मैंने उसे एक बार पूछा ये क्या करते हैं, इस प्राइमर का क्या मतलब है। नहीं नहीं ये इसे लगाने से मेकअप बहुत देर तक स्टे करता है करके वो बोलती थी, पर मुझे वो उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया, तो अभी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये प्राइमर किस चीज़ का है। तो मैं अभी प्राइमर लगा लूँगी ताकि मेकअप अच्छे से स्टे हो जाए। मैं कुछ हेवी सा मेकअप नहीं करने वाली हूँ, मैं बस सिंपल सा मेकअप करने वाली हूँ कि कैसे मैं लगती हूँ उस मेकअप में कोई हैवी मेकअप नहीं, हैवी लुक नहीं है, बस सिंपल सा बेसिक सा एक मेकअप करूँगी अपने ऊपर, एक्सपेरिमेंट मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। तो ऐसे मैंने प्राइमर लगा लिया, प्राइमर लगाने के बाद थोड़ा सा ऐसे रेस्ट देना है उसको, तुरंत कुछ नहीं लगाना है, तो थोड़ा सा ऐसा रेस्ट दूंगी फिर बाकी का शुरू करूंगी। और आज मैं फाउंडेशन में मैं कंसीलर भी उतना यूज़ नहीं करूंगी, क्योंकि आगे ना मैं हेवी मेकअप नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल मतलब वेरी बेसिक मेकअप कर रही हूँ, तो कंसीलर करेक्टर वगैरह यूज़ नहीं करूंगी। वो ये कंसीलर करेक्टर समझने में मुझे बहुत टाइम मतलब जी समझने में ही टाइम लग गया क्लास में, जो भी है अभी समझ में आ रहा है कि क्या कंसीलर है क्या करेक्टर है, जो भी है। तो आज मैं ये नॉर्मल वाला फाउंडेशन ही यूज़ करूँगी, मैक वाला नहीं यूज़ करूँगी। फाउंडेशन से पहले मैं आई मेकअप करना पसंद करूँगी, मैं पहले आई मेकअप करूँगी फिर ये फाउंडेशन वगैरह, फिर फेस मेकअप पे आऊँगी। ओके कंप्लीट, आप देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग ही बता दो। मैं तो मुझे तो लग रहा है ठीक ठाक ही लग रहा है, पर ये लाइट की वजह से थोड़ा सा नहीं पता, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डल दिखाई दे रही है लाइट की वजह से, पर जो भी है मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया है, पर फिर भी मुझे सिंपल हो और जो भी हो मुझे ये मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है,
मतलब मुझे मेकअप, खुद का मेकअप करना पसंद नहीं है, पर यस आई बिकेम अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं दूसरे का मेकअप बहुत अच्छे से करती हूँ, मुझे करने में मज़ा भी आता है, पर खुद का नहीं। ये 30 मिनट्स के ऊपर है, 30 to 40 मिनट्स मुझे ये सब करने में लगा, तो आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड वेस्ट दैट टाइम ऑन दिस मेकअप। जो भी मैं जैसी भी हूँ, नेचुरल हूँ, जो भी अच्छी हूँ, बुरी हो, जैसी भी हूँ, चलेगा मेरे लिए। पर इतना मेकअप, आई मीन इट्स नॉट टू मच, बट स्टिल मुझे पसंद नहीं है मेकअप। मेकअप कर ही लिया है तो सोचा कि मैं दूसरा वीडियो शूट कर लूँ, उस वीडियो नहीं पता, इस वीडियो के बाद ही वो वाला वीडियो आएगा। मैं वो वाला मेकअप कर ही लिया है तो वो वाले शूट कर लेती हूँ, फिर शूट करके मैं वापस आती हूँ। वो सब वीडियो बना लिया है, शूट कर लिया है, तो अभी मुझे ये सब साफ सफाई करना है। साफ सफाई मतलब इसको उठा के दोबारा अपनी जगह पे रखना है। और मैंने उसको अपना ये वाला फेस दिखाया था, वो डरावना जैसा एक रिएक्शन दिया, क्योंकि मुझे मुझे देख के उसको मेरा स्पाइस शेड वाला लुक याद आ गया, इट सीम्स। आप लोग मुझे कमेंट करके बिल्कुल भी बताना नहीं भूलना, जो भी आपका रिएक्शन है कि मैं कैसी लग रही हूँ मेकअप के बाद, और मैंने अपना मेकअप कैसे किया है। एक्चुअली मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती, तो जो भी है, जैसे भी किया है, आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप कुछ तो बोलो कि अच्छी हूँ बुरी हूँ करके, तो प्लीज बताना। तब तक मैं इसको थोड़ा सा, इन सबको थोड़ा सा समेट के अपने जगह पे रख देती हूँ। मेकअप को उठा दूंगी, क्योंकि अगेन मेकअप ऐसे रख के कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्किन को वो डैमेज करता है, इसीलिए मैं इसको साफ कर दूंगी और फिर हम लंच करने बैठेंगे, और उसके बाद आप सब लोग ऐसे ही बाय कर दूंगी, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक आप सब लोग ठीक रहना, सही रहना, सेफ रहना, घर पे रहना। एक मिनट, ये भी देख लो, एक साइड इस तरफ उठा दिया है और इस तरफ है, ये देखो डिफरेंस, इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, ये कह दिया, ये यहाँ पे, इस तरफ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। चलो मैं इसे फटाफट से उठा लेती हूँ। मैंने फेस वॉश कर लिया है, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मेकअप होने से ऐसा लगता है कि कुछ तो है मुंह के ऊपर। तो मैं फिर से यहाँ पे आई हूँ तो देख नहीं पा रही हूँ बहुत धूप की वजह से, और इसको भी मैंने ऐसे सोक करके रखा है, जो भी मैंने यूज़ किया है, तो ऐसे पानी में शैम्पू डाल के इसको सोक करके रखा है, कुछ देर बाद मैं इसे साफ करूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, तो सी यू टुमारो, बाय बाय।